Hey everyone, स्वागत है आज की इस न्यू वीडियो में। सो आज की इस वीडियो में गाइस पबजी का एक ट्रिक बताने होगा, इसमें अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जैसे गाइस मैं जब भी पबजी खेलता हूँ ना तो कोई भी इशू नहीं आती, मतलब उसमें कोई भी नेटवर्क इशू नहीं आता, और फिर साथ ही मेरा पबजी में जब मैं खेलता हूँ गाइस तो उसमें पिंग्स भी कम आता है। तो गाइस आप भी चाहते हो कि मेरा पिंग्स कम आए, अगर आपका पिंग्स हाई आता है यानी ज़्यादा आता है तो इस वीडियो को गाइस पूरा देखना, ताकि मैं इस वीडियो में आपको वही बताने गाइस अपने किसी भी एंड्रॉयड फोन में और किसी भी सिम का नेटवर्क में आप अपना बेस्ट एपिन सेटिंग करके 4G नेटवर्क को आप 5G में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। या दोस्तों बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी ट्रिक है ये, आप अपने ज़रूर ट्राई करना अपने फ़ोन में, ताकि आपको पबजी खेलने में कोई परेशानी नहीं होगी, बहुत मस्त चलेगा। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना, तभी आपको समझ में आएगा कि VPN कैसे हम सेट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लो, और साथ ही गाइस बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर देना। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपको गेमिंग वाला पिन सेट करने के लिए आपको सेटिंग ओपन कर लेना। तो गाइस आपको सेटिंग ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन शो कर रहा है सिम कार्ड एंड मोबाइल डाटा का, तो उस पर हमें इजीली चले जाना। तो यहाँ पर जैसे हम आ जाते हैं, अब जिस सिम से आप यूज़ करते हो नेट यानी इंटरनेट, तो उसे ओपन कर लेना। तो यहाँ पर आपको नीचे में एक ऑप्शन देख रहा है एक्सेस पॉइंट नेम, यानी कि ये फुल फॉर्म है APN का, तो हम इसे ओपन कर लेते हैं। तो जैसे हम ओपन करते हैं आपको राइट साइड की कॉर्नर पे प्लस का आइकन दिख रहा है, तो हर एंड्रॉयड फ़ोन में ऊपर में नहीं दिखता है, और किसी किसी फ़ोन के में यानी रेडमी के फ़ोन में नीचे मिलेगा। तो चलिए मैं प्लस के आइकन पे क्लिक करता हूँ। तो ओके गाइस यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से फॉर्म मतलब कि आ जाएगा। इस तरह से आपको यहाँ पर पूरी तरीके से सेटिंग आपको अच्छे से करना है, तभी आपका इंटरनेट स्पीड में इंक्रीज़ होगा आपका इंटरनेट स्पीड। तो यहाँ पर आपको ध्यान है कि मैं जैसे जैसे यहाँ पर सेट करूँगा तो वैसे वैसे आपको अपने APN में सेट करना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ पर नेम में डाल देता हूँ मास्टर एक्स गेमिंग। तो यहाँ पर आपको कैपिटल में लिखना है M, तो यहाँ पर मास्टर लिख देता हूँ, तो डैश मास्टर एक्स को भी आपको कैपिटल में लिखना, मास्टर एक्स गेमिंग जी भी बड़ा रहेगा यानी कैपिटल। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया मास्टर एक्स गेम। तो गाइस ध्यान रहे, अब ध्यान से देखो इसको, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ओके कर देता हूँ। तो ओके के बाद यहाँ पर आपको APN आएगा। APN में करना है आपको गाइस 5G नेट, यानी सभी को कैपिटल में लिखना है, यानी कि मैं यहाँ पर 5G NET, तो 5G नेट मैंने लिख दिया कैपिटल में। तो यहाँ आता है गाइस प्रॉक्सी नोट सेट पोर्ट नोट सेट एंड यूज़र में आता है गाइस, आपको यूज़र नेम में आपको देना है गेमिंग प्रो, यानी कि गेमिंग प्रो आपको पूरे स्मॉल में लिखना है। तो यहाँ पर गेमिंग प्रो, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया गेमिंग प्रो, उसके बाद यहाँ पर ओके कर देना। उसके बाद आता है पासवर्ड नोट सेट, सर्वर में आपको देना है गाइस वही www.google.com, तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ www.google.com। तो यहाँ पर मैंने दे दिया है www.google.com, आपको ध्यान रहेगा किसी भी स्पेलिंग में भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद आता है MMSC नॉट सेट, MMS प्रोसी नॉट सेट, MMS पोर्ट नॉट सेट, MCC। तो यार ये MCC क्या है, आपकी लोकेशन का ये कोड है, इसे चेंज नहीं करना है, नो डू नॉट चेंज। MNC भी आता है, उसे भी डू नॉट चेंज। उसके बाद आता है ऑथेंटिकेशन टाइप, तो इस पर सिलेक्ट करना है आपको PAP और CHAP, मतलब लास्ट वाला ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पर आता है गाइस APN टाइप, तो इसे रखना है आपको डिफ़ॉल्ट, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट करने के बाद यहाँ पर ओके कर देना है। तो ओके करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे में गाइस ऑप्शन देख रहा है APN प्रोटोकॉल आता है, तो उस पर क्लिक करना, आपको सेट कर देना तीसरे नंबर वाला यानी IPv4/IPv6। तो उसके बाद यहाँ पर आता है गाइस APN रोमिंग प्रोटोकॉल, तो उस पर क्लिक करना, फिर से उसी को क्लिक कर देना IPv4/IPv6। तो जैसे याद है मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग आता है BRR, तो BRR में गाइस आपको क्या क्या करना पड़ेगा, सभी को सिलेक्ट कर देना है गाइस, एंड पेक्सीफाइड को छोड़कर आपको सभी को सिलेक्ट कर देना। अगर आपके फ़ोन में ये सब सेटिंग्स नहीं है यानी ये सब आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा, तो सिर्फ आप LTE वाला ऑप्शन को ही सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर सभी को सिलेक्ट कर लेता हूँ एक बाय एक, वन बाय वन। तो मैंने यहाँ पर सभी को सिलेक्ट कर दिया है, उसके बाद यहाँ पर बैक आ जाना है। तो मैंने यहाँ पर आपको कर लिया, तो अब आता है MVNO टाइप, तो यहाँ पर रखना है इसको नॉन में, तो नॉन में सेट कर देना। उसके बाद आपको राइट साइड के कॉर्नर पे सेव का ऑप्शन दिख रहा है, सेव का ऑप्शन पे क्लिक करके सेव कर देना। उसके बाद जो APN को आपने भी क्रिएट किया है मास्टर एक्स गेमिंग 5G नेट को, तो यहाँ पर आपको इसे इनेबल कर देना है, और साथ ही गाइस अपने फ़ोन को पूरी तरीके से रीस्टार्ट यानी रीबूट कर देना, तब जाकर आपका इंटरनेट स्पीड
अच्छे से इंक्रीज हो पाएगा। ओके गाइस, तो मैंने अपने फ़ोन को रीबूट यानी रीस्टार्ट कर लिया, तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होगा ये हम लोगों के लिए, और साथ ही गाइस इससे स्पीड नेटवर्क स्पीड में इजाफा होगा यानी इंक्रीज़ होगा। तो चलिए अब मैं यहाँ पर स्पीड टेस्ट में जाकर आपको दिखा देता हूँ कि ये अभी मेरा कितने स्पीड से नेट चल रहा है। तो यहाँ पर आपको गो पे क्लिक कर देना, गो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर कनेक्ट होगा, उसके बाद देखना काफ़ी कितने स्पीड से नेट हमारा यूज़ होगा, यूज़ मतलब कितने एमबीपीएस से नेट ये चलेगा। देख सकते हो गाइस काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन हो रहा है गाइस, मस्त आपका स्पीड बढ़ेगा गाइस, इससे आप अपना स्पीड बढ़ा सकते हो इंटरनेट स्पीड। तो देख लिया गाइस आप लोगों ने, तो आई होप गाइस वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करना, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि वो लोगों को ये प्रॉब्लम हो तो सॉल्व हो जाए। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड विद सोहेल टेक।